हेलो गाइस, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़ा रहे। मैं हूं आपका होस्ट सम्राट हूं लेके आगे आपके लिए न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले गाइस नेक्स्ट मैजिक क्यूब ड्रेसेस के बारे में, क्योंकि यार ओबी का अपडेट आने वाला है। जाहिर सी बात है कि सभी को ये बात पता है कि भाई जो भी मैं लीक देता हूं वो कन्फर्म होती ही है। तो भाई थोड़ा सा सब्र कर लेना, ओबी अपडेट के बाद आपको देखने को मिलने वाला है मैजिक क्यूब में न्यू ड्रेसेस। तो भाई कौन से ड्रेसेस आ सकते हैं इस वीडियो में क्लियर करके बताऊंगा। तो जो भी चैनल पर नए आए हो बस फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, वीडियो को लाइक करना, और एनीथिंग कुछ भी पूछना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो भाई लोग। एंड जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो करंटली इंडियन सर्वर पे मौजूद है। ये सारे बंडल्स को आप देख लो गाइस, इन सारे बंडल की लीक मैंने ही दी है आपको, और 100% मैंने बताया है कि 9 तारीख 21 तारीख को चेंज होने वाला है और सेम डेट को चेंज हुआ है। लेकिन बहुत लोग मुझे उल्टा सीधा आके बोल रहे थे कि भैया आप बोले और नहीं चेंज हुआ, ये वो ऐसा वैसा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, भाई हैं अपने सब, तो थोड़ी थोड़ी सी गलतियां भी हो जाती है यार। मैं ऐसा नहीं, भगवान नहीं हूं मैं कि भैया मैं जो बोलूंगा वही होगा, ऐसा भी नहीं होता। बट हाँ यार, ज़्यादातर लीक कन्फर्म होती ही है। तो भाई जो भी चैनल पर नए आए हो बस रिक्वेस्ट है यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड हम लोग आगे चलते हैं गाइस और बात करते हैं यहाँ पे एडवांस सर्वर पे आए हुए कुछ मैजिक क्यूब ड्रेसेस के बारे में। चलो फटाफट दिखाना चाहूँगा गाइस यहाँ पे, क्यों यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मैजिक क्यूब ड्रेसेस में से कौन से एडवांस सर्वर पे अवेलेबल है एंड बाहर के अदर सर्वर पे यानी ब्राज़ील, इंडोनेशिया एंड गाइस और भी अदर कंट्रीज के सर्वर पे कौन कौन से चीज़ें अवेलेबल है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई लोग। एंड गाइस मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि हमारे इंडियन सर्वर में कौन से ड्रेसेस या फिर कौन कौन सी चीजें आने वाली है, ठीक है। देन आगे चलते गाइस हम बात करते हैं यहाँ पे आने वाले न्यू जीप की स्किन के बारे में। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज्यादा कार की स्किन भर गई है भाई, तो बहुत सारी चीजें सोचने के बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि कार की स्किन आपको देखने को मिल सकती है मैजिक क्यूब सेक्शन में। एंड जिसको नहीं पता मैं बता देना चाहूंगा, पहले हमारे मैजिक क्यूब सेक्शन में यहाँ पे अवेलेबल हुआ करता था कार की स्किन। अब आगे चलते गाइस हम बात करते हैं यहाँ पे आने वाले यहाँ पे न्यू ड्रेसेस के बारे में। एक्चुअली यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा गाइस स्टार जनरल बंडल। तो भाई ये वाला बंडल भी हमारे पहले मैजिक क्यूब सेक्शन में अवेलेबल हुआ करता था, एंड अभी बीच में गाइस दिवाली इवेंट पे शायद से इसको वापस भी दिया गया था। गाइस यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये बंडल्स अपकमिंग दिनों में वापस आ सकते हैं। अभी बहुत लोग ये बोलने वाले भैया आप बहुत दिन से बोल रहे हो लेकिन आता नहीं है, भाई मैं आपको कन्फर्म बोलता हूँ कि ये बंडल आने वाला है, वो 100% आता भी है। मैं इन बंडल्स को लेके कभी भी कन्फर्मेशन आपको नहीं देता कि हाँ बंडल आएंगे ही आएंगे। जब मैं कन्फर्मेशन आपको देता हूँ तो ये इवेंट सेक्शन में या फिर अदर किसी भी सेक्शन में अवेलेबल होते हैं। अभी ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो भाई पुरानी वीडियोज़ आप जाके हमारी वॉच कर सकते हो, वहाँ पर आपको सब कुछ मैंने डिटेल में समझा देता हूँ हर एक चीज़ के। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके कि हाँ भैया कब आने वाला है, कौन से ड्रेसेस आएंगे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार एक बार वीडियो देख लिया करो, समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ मैं आपको। लेकिन बहुत लोग बहुत नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को, तो भाई बहुत कुछ बोल देते हैं। तो भाई मेरे को ज़्यादा कुछ बुरा नहीं लगता यार, क्योंकि भाई लोग मुझे पता है अच्छे से कि मेरे भाई हैं, उनको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा बुरा लग जाता है तो वो बोलते हैं। मैं सभी को एक बात इन्फॉर्म करना चाहूँगा भाई लोग, यहाँ पे देखो गाइस रैम्पेज इवेंट स्टार्ट होने वाला है, तो रैम्पेज के बंडल्स आपको अपकमिंग दिनों में वापस आ सकते हैं, इसकी कन्फर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यार जो भी कन्फर्मेशन मैं आपको देता हूँ भैया वो 110% आता ही है, भाई इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेना। क्योंकि मैं भी वो जो भी वीडियो बनाता हूँ ना भाई, वो भी कहीं ना कहीं से लीक इकट्ठा करके ही बनाता हूँ। आपको पता है कि करीब करीब 2 हफ्ते से मैंने वीडियो नहीं डाला मैजिक क्यूब के रिलेटेड, लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि भैया मैजिक क्यूब वीडियो बनाओ, मैजिक क्यूब वीडियो बनाओ। लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बनाता, क्योंकि यार कन्फर्म नहीं होता भैया कि यहाँ पे ये आएगा ही आएगा, और जब कन्फर्म ही नहीं होता तो भाई उस चीज़ को बताने से क्या फ़ायदा, इसीलिए मैं उसको नहीं बताता कि भाई लोग मुझे आके बोलेंगे भैया आपने बताया और नहीं आया। मुझे पता है यार छोटे भाई बहन है हमारे और वो मेरे पे ट्रस्ट करते, तो मैं उन चीज़ों को नहीं धोखा नहीं देना चाहता यार, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बनाता। और जैसे ही कन्फर्मेशन मेरे को आता है तो भाई मैं फटाक से वीडियो बनाता हूँ। और लेकिन मैं एक बात आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा, जो भी कमेंट्स करते हैं ना भाई, दिल से बता रहा हूँ, जो फर्स्ट व्यू ला के लिखते हैं या फिर हाय और पूछते हैं मेरे से सम्राट भाई कैसे हो, भाई दिल से इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकता भाई, एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एंड बहुत लोग पूछ रहे थे भाई आपका बर्थडे कब है, तो भाई मैं सभी को इन्फॉर्म कर देना चाहूँगा 1 अगस्त को अपना बर्थडे है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बंडल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस ये आपको कब तक आने वाला है, तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा 8 जून को हमारा ओबी का अपडेट आने वाला है, और मैं ये वीडियो आपको पहले ही
इसलिए बना दे रहा हूँ गाइस क्योंकि 8 जून के अपडेट पे हमको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपको भी पता है कि भैया जिस दिन अपडेट आता है उस दिन आपको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बहुत लोग बोलते हैं भैया हमको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे खेलें, गेम नहीं चल रहा है, तो भाई उन सब चीज़ों को लेके मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, सब चीज़ एक करके समझाना पड़ता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ पहले ही। और गाइस मैं ये जर्सी वाला ड्रेस आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, बाहर के सर्वर पर हर एक सर्वर पर इस जर्सी वाले ड्रेस को अवेलेबल कराया जा चुका है भाई, लेकिन हमारे इंडियन सर्वर पे गाइस हमारे इंडियन सर्वर में अब बांग्लादेश नहीं रहेगा कब, तो 8 जून के बाद। एंड गाइस बहुत लोग मेरे को पूछ रहे थे कि भैया यहाँ पे जोकर वाला बंडल कब तक आने वाला है, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी भी कंफर्मेशन डेट निकल के आ चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा लंबी है एक्चुअली, इसीलिए मैं आपको कन्फर्म डेट नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप लोग बोलोगे मैं आपको बता देना चाहूँगा अगस्त को ये बंडल आपको ऐड किया जाएगा हमारे मैजिक किप सेक्शन में। एंड गाइस यहाँ पे और भी बंडल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गाइस वो सारे बंडल्स भी आपको अपकमिंग दिनों में देखने को मिलने वाले हैं। अभी गाइस ये वाला बनी वाला बंडल आप देख लो, ज़्यादातर लोगों को पता है ये बात कि ये वाला हमारे इंडियन सर्वर में मौजूद है, लेकिन गाइस इसका जो मेल वर्जन है ना वो आज तक अवेलेबल नहीं हुआ। बहुत लोग कन्फ्यूज़न में है कि भैया ये वाला बंडल है लेकिन इसका मेल बंडल आज तक नहीं आया। मैंने खुद बोला था कि भाई ये बंडल आने वाले लेकिन अभी तक नहीं आया, अब क्यों नहीं आया वो मैं आपको बताना चाहूँगा। भाई यहाँ पे ये बंडल जो है जो कि मैजिक क्यूब में नहीं है मेल बंडल बनी का, तो वो क्यों नहीं है आपको पता है? ये इसलिए नहीं है गाइस क्योंकि वो वाला जो बंडल था वो फेडेड व्हील में आया था ना कि डायमंड रोल के अंदर, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेना क्योंकि यार वहाँ पे जो भी बंडल्स आपके डायमंड रोल वाले बंडल होते हैं ना वही मैजिक क्यूब सेक्शन में अवेलेबल होते हैं। बहुत लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं भाई मेरे को समझ नहीं आता मैजिक क्यूब में कौन कौन से ड्रेसेस आने वाले हैं, भैया आप बताते वो आता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भाई मैं जो बताता हूँ जब तक कन्फर्मेशन मुझे नहीं मिलती तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेना भाई लोग। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ रैम्पेज के बंडल, तो गाइज़ यहाँ पर आपको मैंने ग्रीन वाला रैम्पेज का बंडल दिखा दिया और येलो वाला भी दिखा दिया। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा अभी जो रैम्पेज हम लोग का आने वाला है गाइज उसमें आपको कन्फर्म एक बंडल बिल्कुल फ्री देखने को मिलने वाला है, इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वॉच कर लेना। अभी मैं एक चीज़ और भी आपसे पूछना चाहूँगा गाइज कि बांग्लादेश सर्वर अलग होने वाला है तो उस पर किस किस को वीडियो चाहिए वो मुझे बताओ, तो क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे जिनको अलग होना नहीं है, बहुत लोग गलती से रजिस्टर कर दिए हैं, बहुत लोगों को वो जर्सी नहीं मिला, बहुत लोगों को मतलब मार्क्स नहीं मिला, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप लोग अगर बोलोगे कि हाँ भैया बताओ हमको कि क्यों नहीं मिला, क्या प्रॉब्लम है, प्री रजिस्टर कर दिया है, कैसे ठीक होगा, तो सब कुछ मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो किसी को वो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखना, ठीक है। देन आगे चलते हैं गाइस, हम बात करते हैं यहाँ पे आर्टिक ब्लू बंडल के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं ना भाई वो आर्टिक ब्लू बंडल और ब्रेक डांस बंडल से रिलेटेड ही आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी कोई भी गरेना ने कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया इससे रिलेटेड कि हाँ हम आर्टिक ब्लू बंडल को मैजिक क्यूब सेक्शन में अवेलेबल करवाने वाले हैं। और जो भी आपको ये न्यूज़ देते हैं भाई कि आपको आर्टिक ब्लू बंडल मैजिक क्यूब सेक्शन में अवेलेबल होने वाला है, तो भाई ये नहीं होने वाला अभी तो फिलहाल, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके हिसाब से कोई भी लीक नहीं आई है कि ये बंडल को आपको मैजिक क्यूब सेक्शन में अवेलेबल कराया जाएगा। बाकी जो बंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस ये वन ऑफ द बेस्ट बंडल है, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत लोगों के पास ये बंडल है और बहुत लोगों ने निकाल भी रखा होगा। अभी दिवाली इवेंट में मैंने पहले ही बताया कि दिवाली इवेंट में इसको वापस दिया गया था गाइस, तो बहुत लोगों ने निकाल लिया होगा। तो इसका नाम है गाइस टॉप गेमर बंडल और ये आपको अपकमिंग दिनों में वापस आ सकता है, इसके पूरे चांसेस है गाइस। अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ब्रेक डांस बंडल के बारे में। ये पहला ऐसा बंडल है गाइस जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि आर्टिक ब्लू बंडल के बाद दूसरा ऐसा बंडल जो सबसे ज़्यादा डिमांड किया जाता है कि भैया मैजिक क्यूब सेक्शन में अवेलेबल करवा दो। तो गाइस मैं आप सभी को एक बात पूछना चाहूँगा यार कि भाई आप लोग कौन से बंडल को चाहते हो, यानी आर्टिक ब्लू बंडल के चाहते हो या फिर ब्रेक डांस बंडल को चाहते हो, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि आर्टिक ब्लू बंडल का ज़्यादा डिमांड है और ब्रेक डांस बंडल का डिमांड तो है लेकिन आर्टिक ब्लू बंडल से कम है। थोड़ा सा समझ लेना इस चीज़ को, क्योंकि बहुत लोग बोलने लगेंगे नहीं भाई आप गलत बता रहे हो, तो ऐसा नहीं है भाई, इन दोनों बंडल्स में से एक बंडल आपको मैजिक क्यूब सेक्शन में अवेलेबल होगा बट अभी नहीं होगा, अभी कोई भी कंफर्मेशन यहाँ पे निकल के नहीं आई है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा गाइस कि 8 तारीख को हमारा अपडेट आने वाला है और हमारा मैजिक क्यूब सेक्शन कब चेंज होता है गाइस, तो 11 से 21 के बीच में कभी भी चेंज हो जाता है। तो मैं आपको पहले ही कन्फर्म कर देता हूँ कि ये आपको मैजिक क्यूब सेक्शन में ये दोनों बंडल को छोड़ के जो बंडल्स मैंने आपको दिखाए वो अपकमिंग दिनों में वापस आ सकते हैं। और ज़्यादातर लोगों को पता है कि भाई रैम्पेज जब चलता है तो रैम्पेज के बंडल वापस आते हैं, या डायमंड रोल में आए या फिर किसी इवेंट में आए या फिर मैजिक क्यूब में आए या फिर कैसे भी आए वो
आएंगे जरूर। तो ये बंडल जो है गाइज वो रैमपेज वन के थे और ये दोनों में से कोई भी बंडल वापस आने वाला है। तो भाई लोग आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर से ज़रूर करूंगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड जो भी चैनल पे नए हो, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई लोग, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भाई लोग के साथ शेयर करना ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि मैजिक में नए बंडल्स आने वाले हैं। भाई लोग सबके सब एक्साइटेड हो जाएंगे। तो लव यू एंड बाय। Captain Jack Sparrow.